हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही प्यारे और खूबसूरत जानवर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक हिरन है। क्या आपने कभी हिरन को देखा है? हिरन बड़े जानवर है जिसके सिर पर एक सफेद धब्बा, लंबे पैर और पतला शरीर होता है। कुछ में भूरे रंग की धारियां या धब्बे भी होते हैं। वे वुडलैंड, सवाना और घास के मैदानों में रहते हैं और उन्हें सड़क के किनारे पत्ते चरते हुए देखा जा सकता है। शाम को वे पेड़ों या झाड़ियों की छाया में सोते हैं। हिरन के दो सींग, दो सुंदर आंखें और चार पैर होते हैं। अब हम हिरन के बारे में सब कुछ जांचेंगे। आपने चतुर हिरन की कहानी तो पढ़ी ही होगी। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और मगरमच्छ से अपनी जान बचा ली थी। हिरन दुनिया भर में कई जगहों पर पाए जाते हैं, हालांकि वे ज्यादातर खुले जंगलों में पाए जाते हैं। हिरन 6 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। वे मांसाहारी प्रजातियां हैं और ज्यादातर पौधों, पत्तियां, मेवों आदि पर भोजन करते हैं। हिरन के शिकारियों में शेर, बाघ, सांप आदि शामिल है। हिरन ऐसे जानवर है जो जंगलों में पाए जाते हैं। उन्हें जंगल के अंदर खाने के लिए भोजन और रहने के लिए जगह मिलती है। उन्हें जंगल के अंदर रहना बहुत पसंद है। आप खेतों में और कभी कभी राजमार्गों पर भी हिरन को देख सकते हैं। सबसे अधिक हिरनों वाला राष्ट्रीय उद्यान होविन वीप राष्ट्रीय स्मारक, कॉर्बिन राष्ट्रीय उद्यान पेरू में तंबोपाटा रेन फॉरेस्ट रिजर्व और भारत में 17 से अधिक स्थान है। हिरन अनुकूलनीय जानवर होने के कारण विभिन्न परिस्थितियों में पाए जाते हैं। किसी भी मामले में वे वनाच्छादित प्राकृतिक परिवेश के लिए सबसे आदर्श है। जंगल हिरनों को खाने, आराम करने, पलायन करने, पालने और बच्चों को पालने का स्थान देती है। सभी जानवर की तरह हिरन की भी उनकी वास्तविकता के लिए मौलिक जीवन संबंधी विशिष्ट आवश्यकताएं होती है। जीविका के लिए, पोषण और आश्वासन के लिए आवरण दो आमतौर पर महत्वपूर्ण है। हिरन के लिए घर ही जंगल है। हिरनों के लिए भोजन का महत्व निसंदेह है। जीवित रहने के लिए हिरन को खाना चाहिए। वे कितनी अच्छी तरह रहते हैं, यह भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और पहुंच पर निर्भर करता है। संभोग के मौसम के दौरान नर हिरन अक्सर मादा हिरन के लिए लड़ने के लिए अपने कांटों का इस्तेमाल करते हैं। वर्षों से अनेक प्रकार के हिरनों का उनके सींगों के लिए पीछा किया जा रहा है। नर हिरन को आमतौर पर हिरन कहा जाता है। एक विशाल नर हिरन को कई मामलों में स्टैग कहा जाता है। मादा हिरन को आमतौर पर डो कहा जाता है। भले ही हिरन असाधारण किस्म की वनस्पति सामग्री खाते हैं, फिर भी सभी पौधे या पौधों के हिस्से हिरन के बढ़िया चारा नहीं है। न ही प्रत्येक पौधा या पौधे का हिस्सा साल भर हिरन के लिए सामान्य रूप से पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। हिरन इन स्वास्थ्यप्रद विरोधाभासों को समझते हैं और उसी तरीके से भोजन का चयन करने में सक्षम रहते हैं। हिरनों की आंखें सिर के किनारे पर होती है। हिरन समूह में चलते हैं, जिन्हें झुंड कहा जाता है। वे सामाजिक प्राणी हैं। हिरन मायावी शिकार होते हैं और जंगलों या जंगल जैसे घने इलाकों से उन्हें पहचानना मुश्किल होता है, अन्यथा वे खुद को खतरे में छिपा लेते हैं। हिरन 35 मिनट प्रति घंटे से अधिक दौड़ सकता है, जो उन्हें दुनिया के सबसे तेज जानवरों में से एक बनाता है। जब एक हिरन खुश होता है तो वह नृत्य भी करता है। इसे प्रैंकिंग भी कहा जाता है। हिरन हवा में ऊंची छलांग लगाएगा और बीच बीच में थोड़ा हिलेगा भी। हिरन को अक्सर उनके जिज्ञासु और हसमुख स्वभाव के कारण बिना किसी डर के चार पैरों वाला जानवर कहा जाता है। हिरन चार पैरों वाला बड़ा जानवर है। यहाँ 43 प्रकार के हिरन मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर हिरन सभी देशों में मूल निवासी है। 12 सिंगा हिरन का उपयोग घरेलू हिरन के रूप में किया जाता है। आप हिरनों को चिड़ियाघरों, घास के मैदानों और कई अन्य जगहों पर देख सकते हैं। हिरन के दो सुंदर सिंग होते हैं। इस वीडियो में हमने हिरन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है और हिरन के बारे में कुछ रोचक तथ्यों पर भी चर्चा की है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दे। तो मिलते हैं ड्रीम टीवी की अगले किसी खास वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।